बसंत चतुर्वेदी, मैं एक केंद्र राज्य संयुक्त परिषद का जो बरेली का है हमारा, उसका मैं संयोजक हूँ। मेरे साथ में आज प्रदर्शन, आज ज्ञापन दिया है, एक ही मांग है और हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जब आप जो है के विधायक सांसद एक बार भी अगर संसद में एक दिन के लिए भी चले जाएंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी। तो हम लोग 40 साल 45 साल काम करने वाले, 42 साल काम करने वाले रेल कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन के हकदार क्यों नहीं हैं? हमारा सबसे असली मुद्दा यही है। जब एक राज, एक विधान, एक संविधान और एक एजेंडे की बात करते हैं, एक झंडे की बात करते हैं, तो ये कहाँ से न्याय, कहाँ का भारत का संविधान है कि आपको पुरानी और हमें नई पेंशन? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? हमें भी नई पुरानी पेंशन दी जाए, यही हमारी मांग है। और एक बात और समझ लीजिए कि इस बार आर पार की लड़ाई है। अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो सितंबर में अनिश्चितकालीन केंद्र और राज्य सरकार की हड़ताल होगी, पूरा भारत वर्ष बंद होगा। मैं रविंद्र कुमार सिंह, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का स्टेट जनरल सेक्रेटरी और को कन्वेनर ऑफ द ज्वाइंट फोरम बरेली। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज सब लोग, आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं और हमारे इस रैली को आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को संचारित करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ। मुद्दा ये है कि आज हम पूरे हिंदुस्तान में आज 21 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज सड़कों पर उतरे हैं। उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना होगा। बात इतने तक सीमित नहीं होता है, हम तो इसके बाद भी एक कदम आगे बढ़कर कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को अपने बजट सत्र के उसमें ही जो PFRDA एक्ट है उसमें संशोधन करके जिन राज्यों ने उसमें विरोध किया है उसका उसमें सपोर्ट करके और हमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने में सपोर्ट करना चाहिए। आज जब पूरे हिंदुस्तान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेलवे के कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सजग हो जाना चाहिए कि अब ये एम्प्लॉय मानने वाले नहीं हैं और अपने हक की लड़ाई ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर रहेंगे। साथियों, हमारे बीच में जैन साहब हैं। यह आज एक ही मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक ज्वाइंट फॉर्म बना है, पुरानी पेंशन की बहाली। अभी तक जो सरकार कहती थी कि पुरानी पेंशन केंद्र का मुद्दा है, अब कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करके ये भी साबित कर दिया कि ये केवल केंद्र का मुद्दा नहीं है, राज्य भी अगर चाहे तो उसको दे सकता है। कई 6 राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है। अब तक जो सरकार कहती थी उसकी बात झूठी हो गई है और कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अच्छा यही है कि वो 2024 के चुनाव से पहले पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों की बहाल कर दे, ये उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। वरना तो मोदी जी जो कहते हैं ना कि नई पेंशन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पुरानी पेंशन के जिन स्टेटों ने लागू की है उन्हें पता चल जाएगा कि उनका PM बनना ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, पुरानी पेंशन, जब कर्मचारी 30-35 साल 40 साल नौकरी करेगा तो उसे पुरानी पेंशन क्यों नहीं चाहिए? जब एक सांसद, एक विधायक को पुरानी पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारी को क्यों नहीं मिलेगी?